सिंगल मदर आई बिन जब मेरे पास घर नहीं होता था तो मैं किराए के घर में कोई बीस साल में रही हूँ और मेरा बिजनेस अल्लाह की तरफ से स्टार्ट गोइंग डाउन कोई इस तरह की चीज़ें थी सेल्स नहीं सही हो रही थी टू दैट एट वन मंथ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं सैलरीज कहाँ से दूँगी और अबू ने मुझे बगैर पताए अपना एक अबू का घर था उन्होंने बेच दिया मुझे कहा कि बेटा मैंने एक और घर बना लाया ना तो इसलिए बेच के तो मैं ज़मीन ले रहा हूँ मैं उस वक्त मेंटली स्टेट में ही नहीं थी कि तो मुझे पता चले कि क्या हो रहा है और उस पॉइंट पे मेरे ऊपर एक माफिया का एक पूरा जो फैशन माफिया था ना मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ था और वो मुझे कहते थे ये तो अवामी डिजाइनर है तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती एक वो प्रेशर था नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी और एट द सेम टाइम ये लाहौर में फाय पही वो वो मारिया की डिवोर्स ही है इसको तो अरबों रुपए मिले हैं अरबों रुपए मिले हैं डिवोर्स में और मैं लोगों की बातें सुनती हूँ कितनी लोगों को पता चले में। <laughs> उस वक्त उस वक्त घर उस तो था उसके ऊपर वाली नहीं उस घर में <laughs> पूरी दुनिया क्या बात कर रही है और असलियत क्या हो रही है लोगों को कहने दो जो कहना है डज इट मैटर वट पीपल से वट मैटर्स अल्लाह नोज ना इतनी स्ट्रांग ये मेरी अम्मी ने मेरी चीज में डाली है मेरे अंदर कि मुझे कभी लोगों के कहने का कोई मसला ही नहीं हुआ